कि पूरी साड़ी निकल गई। ये मेन साड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट, ये पूरी निकल गई, ये आपका सोने का। ये सिल्क अभी तक जितना मैंने आपको दिखाया सिल्क है। हाँ जी मैम, सिल्क है, इसको स्टार्च किया हुआ है। अच्छा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जनपद में है हैंडलूम हार्ट, और यहाँ लगा हुआ है हैंडलूम एक्सपो 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। तो बस अभी मैं पहुँचा हूँ, और गाइस पूरी कोशिश करूँगा कि जय श्री आपको दिखाऊँ और यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करूँ। तो चलते हैं अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये खाने का भी स्टॉल लगा हुआ है, आपनों राजस्थान रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे आइए और इनका स्वाद चख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर।
वाला कौन सा? ये सिल्क मैम, अभी तक जितना मैंने आपको दिखाया सिल्क है। हाँ जी मैम, सिल्क है, इसको स्टार्च किया हुआ है। अच्छा, लाइक जैसे पेपर सिल्क होता है, ऐसा सिल्क का हल्का सिल्क होता है, उस टाइप का। आंचल में ही आएगा, ऑल ओवर बॉडी को आएगा, मैं नहीं आता। ये देखने में आपको हार्ड लग रहा है, जब ये कैरी करते हैं ना हम, बिल्कुल बॉडी के साथ अच्छा हो जाता है, मतलब फूला फूला नहीं रहता है। अच्छा जी, तो वैसे हमें स्टोर करके रखना है, कुछ टिप्स होंगे उसके लिए या पेपर के साथ आप रैप करके रख दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कटेगा नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात है, कुछ खराब ही नहीं होगी इसमें, अच्छे से स्टोर करेंगे तो लॉन्ग लाइफ होता है। जैसे ये बड़े आदमी थे तो उसके भी करने में 8-10 दिन लगते हैं, और ये स्पेशल जो पे उसने बताया था ये तकरीबन 3-4 महीनों में बनता है सारी पीस। चार जी और भी जैसे सावन में खास तौर से हमारे यहाँ लहरिया पहना जाता है, तो ये भी अपने आप का 10 साल का फेमस है। इस जो सावन के महीने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लहरिया यूज आता है राजस्थान में। पूरा नक ये इससे निकल जाएगा, नग लगा है, नग से की वजह से नग बैठ गया, ये पूरा ऐसा चीज इससे निकल जाएगी। ये देखिए ये पूरी साड़ी निकल जाएगी, ये मेन साड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट, ये पूरी निकल गई, ये आपका सोने का है। पूरा साड़ी है जो मात्र 50 ग्राम का है, लाइट वेट और खूबसूरत, प्योर जॉर्जेट है, प्योर जॉर्जेट। अभी हम सर से बात करेंगे और ये हमें बताएंगे यहाँ की खासियत के बारे में, स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, क्या इनके पास खासियत है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो बताएंगे सर आपको। हाँ, ये जैसे ये हमारे पास टेबल क्लॉथ है, ये हमारा एप्लीट वर्क है बेसिकली। अच्छा, ये हमारा शहर गुजरात से है, एप्लीट वर्क होता है जी जी, टेबल क्लॉथ था। और ये हमारा इनले वर्क है वुड पे, वुडन बॉक्स हो गया हमारा जी जी, ये इनले वर्क है, तो ये होशियारपुर का बेसिकली काम, होशियारपुर जमीन साइड जी। और ये हमारा बुद्धा स्टैचू हो गया, ये ब्रास का है बेसिकली 6 inches का, ये इसका प्योरली काम हमारा मुरादाबाद से है। अच्छा अच्छा, ब्रास का। और ये भी हमारा ब्रास का ही है, ये भी ये, और ये है हमारा ब्रास पेंटर का, ये भी हमारा वर्क जो है मुरादाबाद साइड का है। वेरी नाइस, ये चीज़ है। और चंदेरी साड़ी है हमारे पास सिल्क की, मेरी साड़ी है, ये हमारी सिल्क की है प्योर, ये हमारी बेसिकली राजस्थान साइड से आती है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो यहाँ एग्जीबिशन लग गया, जैसे कोई आपसे कोई कलेक्ट करना चाहे, लेना चाहे कहीं से, तो आप ले सकते हैं यहाँ से कोई शो। तो कहाँ पे आपका होता है? वैसे मेन जो है जवाहर भवन है, वहाँ पे आप, वहाँ पे वैरायटीज हैं बहुत सारी। अच्छा, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। हाँ, अभी तो 16 तारीख तक लगा हुआ है एग्जीबिशन। और ये हमारा वुडन के पेंटेड एलिफेंट है, काथा एलिफेंट जी। ये है बेसिकली हमारे स्टैचू हो गए, बेसिकली म्यूजिशियन बेस्ड मैंगो वुड, काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया।
तो गाइस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मैंने आपको ये स्टॉल दिखाया है और लोगों से बातचीत भी करी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।